बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, आपके YouTube चैनल बेसिक IT में आप सबका अस्सलाम वालेकुम। मेरा द डॉ फोटोशॉप का टॉपिक शुरू किया हुआ है। अगर किसी से कोई वीडियो मिस हो गई है या कोई चैनल पर नया आया है तो मेरे चैनल पे YouTube की प्लेलिस्ट में आकर वो वीडियो देख सकता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने आपको लेयर ब्लेंड करना यानी लेयर किस तरह मिक्स की जाती होती हैं। अगर आपके पास कोई सी भी दो लेयर हैं, चाहे वो आपके पास सादा लेयर है या आपके पास मिक्स तस्वीर वाली लेयर है, उनको किस तरह आपस में ब्लेंड किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है, ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको वियर मास्क के मतलब बताने जा रहा हूँ, लेयर का मास्क क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले वियर हम यहाँ से कोई सी भी पिक्चर ओपन कर लेते हैं। कोई सी भी पिक्चर आपने ओपन कर लेनी है यहाँ से। जो ही हम पिक्चर ओपन करेंगे, यहाँ से एक ये वाली पिक्चर उठा लेते हैं। अब ये वाली पिक्चर उठा ली है भैया हमने। ये वाली पिक्चर उठाने के बाद यहाँ पर ये जो लॉक है इसको अनलॉक कर देते हैं। ये अनलॉक हो गया है हमारा। अब ये एक तरह से सादी लेयर, ये देखिए जीरो लेयर जीरो हमारी आ गई है। सर पर हम किसी भी तरह का काम वगैरह कर सकते होते हैं। अब जो लेयर मास्क है उसके मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि वो क्या है। जब हम किसी भी किस्म का रेजर इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए ये रेजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये रेजर तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड वगैरह खत्म हो रहा है। इसको वियर्स खत्म करने के लिए, जब इसको वापस लाने के लिए, वियर्स ये खत्म तो हो गया है, वापस लाने के लिए हमें Ctrl Z प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन वियर्स हम अगर चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि Ctrl Z के जरिए हम ना करें, तो एक और तरीका कार भी हमारे पास अडोब फोटोशॉप मुहैया करता है, वो है मास्क का। मास्क में क्या है कि वियर्स हम, मैं बताता हूँ आपको, मास्क में वियर्स हमारे पास ये जो मास्क आ रहा है यहाँ पर, पहले वियर्स हमारा आपके पास जो कलर है उस कलर को आपने, ये वाला जो कलर आपके पास है इसको आपने ब्लैक एंड व्हाइट कर देना है। ये मैं बताता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों करना है। अब आपने ऐड लेयर मास्क, मास्क के ऊपर लेयर जो है ये देखिए, अब लेयर के साथ एक और लेयर यहाँ पर आपको बनी हुई नजर आएगी। आपको ये है लेयर का मास्क वियर्स। इस मास्क पर अब आप इजीली काम कर सकते होते हैं किसी भी किस्म का। अगर आप बैकग्राउंड मूव रिमूव करना चाहते हैं तो भी आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इजीली। अब वियर्स अगर आपके पास ये वाला जो आ रहा है एरिया, ये वाला जो एरिया आ रहा है, अगर ये वाइट है तो आप इजीली इस पर काम कर सकते होते हैं। अगर ये ब्लैक है, अगर यहाँ पर कोई कलर आ रहा है, तो हमारा जो रिमूव है वो रिमूव तो होगा लेकिन वो कलर छोटा जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड भी यहाँ पर रिमूव करता हूँ, ये देखिए ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यही चीज मैं उल्टा दूँ यहाँ पर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ब्लैक करना पड़ेगा। ये देखिए उल्टा करेंगे तो आपका कलर जो है वो आपका वापस आना शुरू हो जाएगा। यानी जो चीज आपसे गलती से ऐसे रेज हो जाती है वापस आ जाती है। इस तरह से आप मास्क लगाएं अपनी लेयर पर, तो इस तरह से वो काम अगर आप उल्टा करेंगे तो आपका वापस आना शुरू हो जाएगा, बजाय Ctrl Z प्रेस करने से। इस तरह से आपकी तस्वीर जो है वो खराब नहीं होती है, पिक्चर आपकी किसी भी किस्म की खराब नहीं होती है। यहाँ पर कलर नहीं होना चाहिए भी, अगर कलर होगा तो फिर वो कलर आपको शो करवाना कर देगा यहाँ पर। अगर कलर होगा तो वो शो करवाना कर देगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वाला। अब ये इसको लेयर को हम फिलहाल यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। इसका मैं और काम आपको बताता हूँ कि वो फंक्शन हमारे पास क्या है। वो कहता है यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, वो फंक्शन भी है ये है हमारे पास, इसकी एक सिलेक्शन कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपने कोई सी भी सिलेक्शन कर लेनी है, यहाँ पर आपने आना है यहाँ पर, उसके बाद ये आपने इसकी सिलेक्शन कर लेनी है।
जिस एरिया के सिलेक्शन करेंगे व्यूअर्स, जितने एरिया की, ऑटोमेटिकली वो एरिया आपको दिखाएगा। उसके बाद आपने मास्क पर सिलेक्ट करना है, अब ऑटोमेटिकली उतना हिस्सा आपको दिखाएगा। अब यहाँ पर मूव टूल में हम क्लिक करेंगे, अभी मूव टूल में आप क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इसको मूव कर सकते होते हैं इजीली। यहाँ पर मास्क में आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे होते हैं, इसमें से भी अगर हम एक फंक्शन को ऑफ कर देते होते हैं, ये देखिए। अब क्या करेंगे, आप मूव करेंगे, लेकिन अब जो सी पिक्चर है जिस हिस्से को आप लाना चाहते हैं, इसको आराम से आप कट करके ला कर आप सेव कर सकते होते हैं इजीली। ये था मास्क का हमारा काम भी, अगर किस तरह हम मास्क पर काम करते होते हैं कि इजीली हम वो चीज़ कट करके मास्क पर ला सकते हैं। यहाँ पर एक और मैं बात बता दूँ यार, यहाँ पर जब आप मूव टूल में काम करते हैं तो आप इसको भी आप आगे पीछे कर सकते होते हैं। लेयर पर जो आपकी बैकग्राउंड की लेयर है वो आपको दिखाई देगी कि बैकग्राउंड में क्या है। अगर आप बैकग्राउंड में जितनी लेयर इसकी रखना चाहते हैं इजिली रख सकते होते हैं। ये सिंपल टॉपिक था हमारा वीएसआर का। इस टॉपिक में हम मैंने आपको बताया है कि किस तरह आप मास्क पर काम कर सकते हैं, किस तरह आप यानी मास्क के जरिए सिलेक्शन कर सकते हैं, मास्क का क्या काम होता है। ये छोटा सा टॉपिक था हमारा आज का। उम्मीद है आज का टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्त सीखना चाहते हैं उनको शेयर कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।